फिल्म हिंदी गाना मराठी सब क्या मिक्सिंग कर रहे हो? ये मिक्सिंग नहीं है, इसको मैं डिफाइन करूंगा एक ही वर्ड में, सिनेमा चेंज हो रहा है। अगर वो जिम कैरी की फिल्म थी स्पॉटलेस माइंड समथिंग, मुझे पहला याद नहीं आ रहा है, अगर वो फिल्म किसी ने देखी होगी तो उसमें रफ़ी साहब का हिंदी गाना यूज़ किया है उन्होंने। मराठी फिल्म का जो हीरो है हमारा वो महाराष्ट्रियन है, उसका जन्म जो है वो शिव जयंती पे हुआ है, उसका नाम शिवा है। सिचुएशन है, फिल्म की स्क्रिप्ट में ऐसी सिचुएशन आई, इसके वजह से ये गाना बनाया गया। मराठी में इसके लिए पिक्चराइज किया गया है, हमने गाना बनाया है कि अभी तक इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है। सिंस द बैकग्राउंड ऑफ दिस फिल्म डिमांड की गाना मराठी में हो, इसके लिए हमने मराठी में लिया। सर, लव जिहाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस वक्त, एक ऐसी फिल्म आप ला रहे हो जिसमें एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की ऐसी कुछ कहानी दिखाना चाहते हो आप, क्या दर्शाता है ये गाना या फिल्म कहानी? ये गाना ये दिखाता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, अगर इसमें आपने देखा होगा बुरखे में वो लड़की नाच रही है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई हिंदू दरगाह में जाता है बच्चा, 17-18 साल का कॉलेज गोइंग बच्चा अगर जाता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसी तरीके से इस लड़की को फ़र्क नहीं पड़ता। ये आज के 2018 में यूथ जो है वो सोचता क्या है इसके बारे में है, इसको तो पॉलिटिसाइज किया गया है, लव जिहाद और ये और वो, इट इज़ नथिंग बट अ पॉलिटिकल डेफिनेशन, बाकी कुछ नहीं। लव जिहाद को आप किस नज़र से देखते हैं? लव जिहाद मैंने कहा आपको कि इट इज़ जस्ट अ पॉलिटिकल डेफिनेशन जिसे लोगों ने बस अपने फायदे के लिए यूज़ किया हुआ है। इस फिल्म में इस तरीके की कोई भी बात नहीं है, ये फिल्म इट इज़ अ प्योर लव स्टोरी। और 2018 में आज के बच्चे, आज के एजुकेटेड बच्चे अपने अपने रिलीजन के थ्रू गीता और कुरान पढ़ के अपने प्यार को किस नज़र से देखते हैं, यही है इस फिल्म के कारण। एक्चुअली फारूक जी का जो हमने पीके का जो गाना सुना था, हमने जब म्यूजिक डायरेक्टर ने गाना कंपोज किया था, हमने फतीह जी ने बहुत हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की इससे करना है, लेकिन जब फारूक जी का वो आयो रे जब हमने सुना था पीके का, जो हमें रेंज चाहिए थी, जो आवाज़ चाहिए था, महाराज शिवाजी को डेडिकेट करने वाला आवाज़ भी उस तरीके से होना चाहिए, तो हमने फारूक जी को फिर उसमें सिलेक्ट किया। लग रहा है सर हुए करने से कह दे गाया है, बहुत अच्छे से गाया है। मैंने कहा ना सिनेमा चेंज हो रहा है, अभी कोई रहा नहीं है कि कोई ये गाना है तो ये राजस्थानी है तो गा नहीं पाएगा, या ये मराठी है तो वो हिंदी फिल्म डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, इस तरीके से ऐसे कुछ होता नहीं है। अभी आप देखिए हमारी फिल्म भी, जो आपके सवाल है, जब हमारा प्रोमो में जब हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि फिल्म किस तरीके की है। कब तक क्या प्लान है? कब तक? अभी इसके बाद में प्रोमो लॉन्च किया जाएगा। अभी एक्चुअली कुछ एक्टर्स के डेट्स का इशू चल रहा है, साउथ के दो एक्टर्स हैं, मैंने तभी भी कहा आपको, थलावसल विजय जो है, नासर सर है जिनका कन्फर्मेशन अभी तक आया नहीं है, इनका कन्फर्मेशन आने के बाद में एक प्रोमो हम लोग लॉन्च करेंगे। इसके बाद में अप्रैल महीने में फुल फ्लेजेडली फिल्म फ्लोर पे चली जाएगी, अभी 30% शूट हो गई है, 70% बाकी है, दिवाली तक ये फिल्म रिलीज़ की जाएगी। सर,